So, hello everyone. Finally, the wait is over, and from today, we are going to start the series which is the art of cracking UPSC prelims. That is the name of the series, and the objective of this series is to enhance our overall score for prelims. And in the overview lectures, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ ये वादा किया था कि अगर ये सारे lectures आप अगर if you watch from 2013 till 2020 के सारे lectures आप देखोगे, जिसमें it will be of total eight lectures will be there. One lecture will be spanning around 30 minutes. So total 4 hours of learning will be providing through this session. तो 4 घंटे की learning होगी, बहुत important है. और 2013 में अगर आप देखेंगे तो मैं लगभग 11 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और इन 11 क्वेश्चंस में कौन सा लॉजिक कहां पर लगाना है और कैसे यूपीएससी के क्वेश्चंस को समझ के उसके अंदर छुपी हुई जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कैसे यूटिलाइज करके एग्जैक्ट राइट आंसर पे पहुंचना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक और चीज बता दूं कि ये जो सीरीज है, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि ये हैक्स ट्रिक्स और ये सब बकवास चीज है. देखो, बकवास तो नहीं कहूंगा, काम की चीज है और काम आती है. ठीक है, एक नॉलेज, मतलब क्या बुराई है अगर मुझे कुछ थोड़ा सा कहीं से लिवरेज मिल जाए, कहीं से कुछ एक स्प्रिंग बोर्ड मिल जाए, जिससे जो मेरी इंपॉर्टेंट है, जो मेहनत है मेरी, उसको एक नया रंग मिल जाए. ठीक है, एक नंगे पैरों ओलंपिक्स की मैराथन दौड़ना और नाइकी के वेपर फ्लाई को पहन के ओलंपिक्स की मैराथन को दौड़ने में फर्क होता है. ठीक है, तो हार्डवर्क है, हार्डवर्क के साथ साथ इट ऑल्सो रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ एड सम काइंड ऑफ हेल्पिंग मैकेनिज्म विच कैन इंश्योर आवर सक्सेस, विच कैन इम्प्रूव आवर प्रॉस्पेक्ट फॉर अपेयरिंग मेन्स पेपर. ठीक है, तो 2013 का ये है. इसके बाद ये लेक्चर 1 है, एंड लेक्चर 1 से जैसे मैंने बताया लेक्चर 8 तक हम जाएंगे, और 2013 में 11 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. इन 2014 विल बी डिस्कसिंग अराउंड 20 प्लस क्वेश्चंस, एंड कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या लगेगा वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बने रहिएगा, विल हैव ग्रेट लर्निंग सेशन अहेड. तो चलिए शुरुआत करते हैं. फर्स्ट थिंग, देखो एक और चीज बताऊंगा कि जो भी चीज मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ये चीज, ये जो मैं बताऊंगा उसको नोट करना है. ठीक है, नोट करते रहना, सिर्फ कथा की तरह नहीं सुनना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वॉट एवर पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू, यू हैव टू मेक नोट ऑफ इट, कीप दैट नोट विथ यू एंड रिवाइज इट, गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन. एंड जस्ट बिफोर प्रिलिम्स, वन नाइट बिफोर प्रिलिम्स, एक रात पहले उसको फिर से देखना, नहीं तो भूल जाओगे और एग्जाम में जाके गलत चीजों को यूज करोगे, फिर बोलोगे कि मैंने कुछ गलत सिखा दिया. ठीक है, तो दैट शुड नॉट बी द केस. एनीवेज, तो क्वेश्चन नंबर 5, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड फर्स्ट अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, सेकेंड फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म. अब चलो मान लो कि ये नहीं पता है कि क्या है. ठीक है, ये नहीं पता है तो क्या होगा. हमेशा एक चीज याद रखना कि एनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का मतलब है विच इज इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, अ टेक्नोलॉजी विच इज स्टिल इवॉल्विंग. तो इट विल हैव, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी विल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल. इसका मतलब है कि ये सब कुछ कर सकता है. ठीक है, जो टेक्नोलॉजी, जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी है, जीन ट्रांसफर की कोई टेक्नोलॉजी है, या नैनो टेक्नोलॉजी है, एनीथिंग, व्हाट एवर यू फील लाइक, हाइड्रोजन एनर्जी में भी. ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी में भी, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी. ठीक है,
तो जितनी भी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विच हैज नॉट रीच इट्स सैचुरेशन इट इज स्टिल इवॉल्विंग, लाइक इसका मतलब है कि अभी उस पर रिसर्च और चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें लिखा होता कि हाँ ठीक है, इससे जो है आदमी औरत आदमी बन सकता है, आदमी नॉर्थ पे वो मार्स पे रह सकता है, इससे डीएनए टेक्नोलॉजी से स्पेसक्राफ्ट बनाया जा सकता है, एवरीथिंग वॉट एवर मे बी द केस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे मैंने बताया एक तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इवॉल्विंग है, तो यूपीएससी कभी ये नहीं कह सकती दावे के साथ, इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये चीज नहीं हो सकती पॉसिबल। मान लो कि 2013 में ये पॉसिबल नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि 2020 में वो चीज पॉसिबल हो जाए, क्योंकि साइंस तो डेवलप हो रहा है, रोज इवॉल्व हो रहा है। तो अगर 2020 में हो जाएगा, देन फिर क्या होगा, एक एस्पिरेंट जो है जो 40 साल का हो गया है वो जाके बोलेगा, या मे बी एग्जैजरेशन 35 साल का, वो कहेगा कि भाई 2013 में तुमने मेरा ये आंसर की गलत किया था, ठीक है, अभी मेरे को एक और अटेम्प्ट दो, ठीक है, एक ये की वजह से मेरा एक अटेम्प्ट खराब हुआ था, मेरे को अभी एक अटेम्प्ट और चाहिए। ऐसे कितने सारे लॉ सूट आ जाएंगे यूपीएससी के ऊपर, ठीक है। तो व्हाट यूपीएससी डज, सेफ खेलो, ठीक है, सेफ खेलो, कोई भी लीगल इस सब पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का है कि भाई एक साल में पूरा साइकिल पूरा होता है पेपर का। स्टेट पीसीएस जैसा नहीं है कि उधर पहले जो कमीशन है वो सेलेक्ट करता है, फिर उसके बाद फिर हाईकोर्ट अलग से सेलेक्ट करती है कि होगा कि नहीं होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट फिर अलग से मेरिट जारी करती है, ऐसा केस यूपीएससी के साथ एटलीस्ट नहीं है। इसलिए ही नहीं है क्योंकि सेफ खेलती है हमेशा। देखो इसमें दावे के साथ आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज नहीं होगी, हो सकती है ये तो कहा जा सकता है, देर इज अ ऑप्शन, देर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो डेट्स वाई सिर्फ यही नहीं, आप जितने भी आगे के भी क्वेश्चंस देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें लगभग सारे ऑप्शन सही होते हैं, बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी इज स्टिल इवॉल्विंग, ठीक है, दैट टेक्नोलॉजी इज स्टिल इवॉल्विंग। सो इसलिए आप देखोगे इसका ऑल द वन टू एंड थ्री, सॉरी All the three options here will be right. Okay? तो पहली चीज ये, इसको नोट कर लो कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, अनलिमिटेड पोटेंशियल, सारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एनीवेज, सेकेंड ये क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड, तो इस क्वेश्चन में लेट मी open this page, question number second, the Chinese traveler Huan Sang who visited India recorded the general condition and culture of India at that time, in this context which of the following statement is are correct, theek hai। to aise questions mein dekho hamesha yaad rakho ki pehli cheez ye hai कि जिस क्वेश्चन में जितना ज्यादा लिटरेचर लिखा होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन को हैंडल करना दैट विल बी द इजीएस्ट, ठीक है, क्योंकि जितना लिटरेचर लिखा होगा उसमें उतने ही ऑप्शन छुपे होंगे। जस्ट यू हैव टू रीड द लिटरेचर, यू हैव टू रीड द वर्ड्स, आपको शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक परसेप्शन है, जो स्टूडेंट्स है वो जैसे ही बड़ा क्वेश्चन देखते हैं वो हथियार डाल देते हैं कि अरे यार ये कैसे होगा, लेकिन हमेशा याद रखो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही ज्यादा उसको सही करने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि उसमें उतने ही ज्यादा हिंट्स और हिडन ट्रेजर छुपा होगा जिससे आप आंसर निकाल सकते। एक तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि भाई चार सिटीज का नाम दे देगा, इसमें पूछेगा कौन सी जो सिटी है वो पोर्ट सिटी थी, क्वेश्चन बहुत छोटा लेकिन उतना ही टफ, क्योंकि इसमें कुछ छुपा ही नहीं है, इट इज जस्ट अ फैक्चुअल क्वेश्चन। पर यहां पर ऐसा खेल नहीं है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा ये याद रखेंगे, बड़ा क्वेश्चन देखते ही इंस्टेड ऑफ हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, यू शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, क्योंकि उसमें उतने ही ऑप्शन छुपे होंगे। तो अगर आप इसको पढ़ोगे, एक चीज ये याद रखना कि जितने भी असर्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं, असर्टिव स्टेटमेंट्स का मतलब है जिसमें सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज होता है,
ठीक है, जैसे कि ओनली, ठीक है, जस्ट, कंप्लीटली, कंप्लीटली, नॉट एट ऑल, ठीक है, नेवर, सुपरलेटिव या मोस्ट, ये तो सुपरलेटिव हो गया, ये सारे असर्टिव वर्ड्स हैं, ओनली, जस्ट, कंप्लीटली, नॉट एट ऑल, नेवर, दीज आर असर्टिव वर्ड्स विच आर, इफ इन अ स्टेटमेंट असर्टिव वर्ड इज गिवन, कोई भी चीज बहुत दावे के साथ कही जा रही है, इसका मतलब यह है उसके उतने ही गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है, उस वर्ड के, उस स्टेटमेंट के उतने ही गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप एक बात को बहुत दावे के साथ कह रहा पहला स्टेटमेंट कि रोड और रिवर रूट्स वेयर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, कि भैया रॉबरी तो होती ही नहीं थी चाहे कुछ भी हो जाए, तो इज इट पॉसिबल, कितना भी महान से महान राजा होगा, ठीक है, सूबे सूबे का मालिक कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी एनकाउंटर और वो सब करा ले, ठीक है, कितनी भी जीप और बस पलटवा ले, लेकिन अगर रॉबरी है, चोरी है, तो क्राइम तो होगा ही, मतलब सोसाइटी है तो क्राइम होगा ही, तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, लेट्स अज्यूम दिस। एज फिर अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेज ऑर्डील बाई फायर, ठीक है, वॉटर या पॉइजन, वेयर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ अ पर्सन, तो ये सही हो सकता है, इसमें कोई भी बात दावे के साथ नहीं कही जा रही, ठीक है, द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, ऑब्वियस सी बात है भाई, राजा है तो हुएन सांग हर्ष के शासनकाल में आए थे, राजा है तो राजा भाई टैक्स तो लेगा ही, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, पहला वाला गलत हो गया, तो इफ यू एलिमिनेट फर्स्ट वन तो यू आर लेफ्ट विथ बी, ठीक है, बी, आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पता था, अगर आपने ह्यूएन सांग के बारे में नहीं भी पढ़ा होगा, ऑल्दो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी का वर्बेटिम यूज किया है, ठीक है, फिर भी ये इनके इन प्रकारें अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, फिर भी इसको कर सकते, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये क्वेश्चन का एक चीज बताऊंगा, तो हमने दो चीजें अभी तक सीखी, पहला तो ये है साइंटिफिक, ठीक है, सुपर लेट अपकमिंग टेक्नोलॉजी, अनलिमिटेड पोटेंशियल, सारे ऑप्शन राइट, सेकेंड चीज हमने देखी सुपरलेटिव डिग्रीज, कोई भी बात असर्टिव की जा रही है तो गलत होने के, उस स्टेटमेंट के गलत होने के उतने ज्यादा चांसेस, तीसरी चीज ये है, थर्ड टेक्निक इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर रिपीटेड, रिपीटेड अगेन, ठीक है, अब ये मैं कह रहा हूं कि पीवाईक्यू रिपीट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही क्वेश्चन रिपीट होता है, उस क्वेश्चन की का जो डेटाबेस है वो रिपीट होता है, इसका मतलब ये है कि अगर 2013 में यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर अपेयरिंग फॉर 2021, तो 2013 के पेपर पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है, यू शुड नो व्हाट स्टार टॉर्टोइज इज, ठीक है, इसका IUCN स्टेटस क्या, अभी देखो ये क्वेश्चन जो 2013 में पूछा था, इट वॉज आस्किंग वेदर इट इज फाउंड इन इंडिया और नॉट, 2021 में पूछ देगा स्टार टॉर्टोइज जो है इंडिया के किस स्टेट में या किस नेशनल पार्क में मिलता है, वेदर इट इज IUCN का उसका स्टेटस क्या है क्या नहीं है, मॉनिटर लिजर्ड के साथ भी ऐसा ही पूछ देगा, हो सकता है ये पूछ दे कि मॉनिटर लिजर्ड भाई मैमल है कि रेप्टाइल है कि क्या है, ऐसा कुछ पूछ दे, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना स्टार टॉर्टोइज के बारे में थोड़ा सा 10 मिनट का रिसर्च करना है, यू शुड कवर दिस टॉपिक थोड़े अलग अलग डायमेंशन से, इंडिया में कहां मिलता है कहां नहीं मिलता है, वेदर इंडिया में एंडेमिक है या नहीं है, इसका IUCN का स्टेटस क्या है, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस स्केड्यूल में आता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, मॉनिटर लिजर्ड के बारे में भी ऐसे ही आपको 5-6 फैक्ट्स पता होने चाहिए, पिग्मी हॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पाइडर मंकी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो अगले साल जब UPSC आप देखोगे घड़ियाल के ऊपर UPSC में पिछले 10 सालों में 2-3 बार सवाल पूछ चुका है, ठीक है,
आप देखोगे कि 2015 या 16 में गंगा डॉल्फिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, ठीक है, फिर से गंगा डॉल्फिन के ऊपर पिछले 10 सालों में दो बार सवाल पूछा जा चुका है गंगा डॉल्फिन, फिर उसके बाद इरावदी डॉल्फिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी पिछले साल ही 2020 में। तो व्हेन यू सी गंगा डॉल्फिन, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है कि इंडिया में गंगा डॉल्फिन के अलावा और कौन कौन से डॉल्फिन है, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन आपको पता होना चाहिए, गंगा डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन में क्या डिफरेंस है। जैसे गंगा डॉल्फिन फ्रेश वाटर में रहती है, इरावदी डॉल्फिन आपका दोनों फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों में रह सकती है, दैट यू शुड नो। गंगा डॉल्फिन के और आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस स्केड्यूल में आती है, ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट्स डेथ एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आई थिंक इन 2017 और 18 खाराई कैमल पूछा था, ठीक है, खाराई कैमल। 2020 में डबल हम्प्ड कैमल पूछ दिया। देखो होता है क्या है, समझने की जरूरत यह है कि वेन एवर एग्जामिनर या पेपर सेटर को जब पेपर जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया आपको यूपीएससी का पेपर सेट करना है, तो पेपर सेटर क्या करेगा, पिछले 8-10 साल के पेपर देखेगा, ठीक है। और दिस इज अ ह्यूमन वे ऑफ थिंकिंग, यू कैन से ह्यूमन लिमिटेशन ऑफ आवर ब्रेन, कि वॉट एवर वी हैव स्टडीड रिसेंटली आवर ब्रेन ड्वेल्स अराउंड दोज टॉपिक्स ओनली, ठीक है। जो भी सबसे रिसेंट में आपने पढ़ा होता है, देखा होता है, आपने जब सोचते हो तो उसी के अराउंड कुछ सोचते हो। तो एग्जामिनर, ये इनहेरेंट लिमिटेशन भी है और एक हिडन ट्रुथ भी है कि ये पेपर का ही रिपीटिशन होगा, ठीक है। नॉलेज क्वांटम जंप नहीं लेती है, नॉलेज हमेशा छोटे 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 स्मॉल स्टेप्स में आगे बढ़ती है। यूपीएससी का पेपर भी ऐसे ही इवॉल्व होता है, पुराने साल के ही क्वेश्चंस में से ही कुछ छुपा हुआ होता है, उसको उठा के पूछा जाता है। तो पिछले 10 साल के पेपर के ऊपर रिसर्च करना, इट इज वेरी एसेंशियल। एटलीस्ट 2012 से लेके 2012 या 13 से लेके 2020 तक बहुत अच्छे से रिसर्च कर लेना। यू शुड हैव ऑल इन डेप्थ नॉलेज अबाउट इट। इट विल हार्डली टेक अ वीक, बट लेट मी टेल यू, अगर आप ये एक हफ्ता दोगे तो आप लक्ष्मीकांत जो 10 दिन अभी पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, उसको पढ़ के एक क्वेश्चन भी शायद सही ना हो, ठीक है, या हो सकता है एक या दो सही कर लो, लेकिन ये अगर कर लिया, 8 साल का 9 साल का पेपर सही से देख लिया, तो आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व 6 to 7 questions अलोन ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज विच यू हैव गैदर्ड बाई सॉल्विंग दीज प्रीवियस 7-8 years क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है, इसको कर लेना। फिर 2013 में एक 17वां सवाल ये पूछा था, नोक्रेक, ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं, कुछ हिल्स के नाम दिए हैं, इसमें भी यही करना है भाई, आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, ये हिल्स कहां पर है, इस पे कौन से ट्राइब रहते हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे कि इन 2013 लोकटक लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं दिखाता हूं। 2015 में सेम क्वेश्चन, ठीक है, फ्लोटिंग वेजिटेशन का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और ये फ्लोटिंग वेजिटेशन जो है बेसिकली लोकटक लेक में ही है, ये जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है जिसको हम फुमदिस बोलते हैं, फुमदिस, ठीक है, ये लोकटक लेक पे है, लोकटक लेक, ठीक है, लोकटक लेक में है, और यहां पर केबल लमजाओ नेशनल पार्क यहां पर मौजूद है, एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर डांसिंग डियर, डांसिंग डियर, या जिसको हम संगई डियर भी कहते हैं, संगई डियर। इसका आपको थोड़ा सा रिसर्च, देखो नॉलेज के पीछे थोड़ा सा घूमोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने लोकटक लेक देखा, लोकटक लेक पे रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये रामसर कन्वेंशन के मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आती है, ये आपको पता चल गया। फिर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, ये भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि भाई फुमदिस क्या है, वहां पे कौन से ट्राइब रहते हैं, कौन से स्टेट में ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर उसके बाद यू हैव टू रिसर्च ऑन व्हाट आर द एनिमल्स विच आर फाउंड, तो आपको पता चलेगा कि संगाई डियर मिलता है, संगाई डियर से फिर आपको थोड़ा सा देखना होगा कि इसका आईयूसीएन का स्टेटस क्या है, ये भी आपने देख लिया। तो आपने इस पूरे टॉपिक को, अगर 2013 का पेपर अगर आपने
थोड़ा सा 10-15 मिनट भी दिया होता रिसर्च करने में या आधा घंटा भी दिया होता तो 2015 में ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते थे, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? इट वॉज वेरी इजी, राइट? तो दैट इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो इसलिए इफ यू आर सीइंग दिस क्वेश्चन ऑफ 2013, देन यू हैव टू रिसर्च ऑन नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, लोकटक, नामदाफा नेशनल पार्क. नामदाफा नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश. इट इज फेमस फॉर फ्लाइंग स्क्विरल. ठीक है, उड़ने वाली यहां पर स्क्विरल मिलती है. नामदाफा के बारे में और भी कुछ चीजें देख लेना. ठीक है, ट्राइब कौन सा रहता है ये सारी देख सकते हैं. कुछ मोनेस्ट्री वनास्ट्री कुछ है ये सब देख लेना. ठीक है, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, अल्पाइन है, टुंड्रा जैसा है, क्या है, ये ऑल दीस थिंग्स यू कैन सी. ठीक है, फिर ये देख सकते हो नामदाफा नेशनल पार्क जो है वो कौन कौन से स्टेट को टच करता है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है या कुछ बाकी के किसी और स्टेट को भी टच करता है, नहीं करता है, और कौन कौन से जानवर है नामदाफा में. तो ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा. ठीक है, और देखना इसी से फिर इस साल नहीं अगले साल या पूछेगा सवाल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द स्केड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट बेसिकली इसको शॉर्ट में बोलते हैं, 2006, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. फॉरेस्ट राइट एक्ट के ही ऊपर आप देखोगे पिछले 10 साल में कम से कम 2 से 3 सवाल पूछा है. ठीक है, हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और बोथ. मान लो ये बम है, पता नहीं है क्या है, फिर भी कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है, बताऊंगा मैं कैसे. हमेशा याद रखो, जनरली इट्स नॉट अ, मैं कोई ऐसा न्यूटन का प्रिंसिपल नहीं बता रहा हूं. ठीक है, जनरली ऑप्शन में अगर कहीं भी ये दिया हो, किसी भी ऑप्शन में कि सरकार का कोई इनिशिएटिव है और ऑप्शन में दिया है उसका पर्पस क्या है या उसका क्या गोल है, तो हमेशा याद रखना कि पीपल सेंट्रिक अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है. ठीक है, जैसे कि इसमें है ग्राम सभा. ठीक है, तो ये सही होगा. अगर इसमें मान लो कि एक और ऑप्शन में आगे क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा कि जिसमें न्याय पंचायत के ऊपर क्वेश्चन था, तो न्याय पंचायत में यह दिया था कि न्याय पंचायत में बेसिकली देयर विल बी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, एनजीओस. ठीक है, एवरीथिंग, तो यह भी सही होगा. ठीक है, जनरली अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव होता है, चाहे कोई भी स्कीम है या कोई भी लॉ बनाया है, तो उसमें हमेशा ही लोगों को एम्पावर करने की बात की जाती है, हमेशा ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात होती है, हमेशा ही मतलब उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होता है उस स्कीम का या उस लॉ का. तो इसमें आप देखोगे कि गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव होगा तो हमेशा जो यूपीएससी है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में उस क्वेश्चन को फ्रेम करती है. ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना कि गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही ऑप्शन में हाईलाइट किया जाता है और वही जनरली सही होता है. ठीक है, अब देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये भी ब्यूरोक्रेटिक एम्पावरमेंट है, तो दैट इज अ नेगेटिव थिंग. ठीक है, फिर कलेक्टर डिप्टी कमिश्नर, ये भी मतलब ब्यूरोक्रेसी को पावरफुल बनाना, दैट इज नेगेटिव. तहसीलदार ब्लॉक डेवलपमेंट, ये भी नेगेटिव है. ग्राम सभा, पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन इज गेटिंग इंपावर्ड थ्रू दिस लॉ. ठीक है, तो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होगी, कोई भी लॉ होगा, कुछ भी इनिशिएटिव होगा, तो हमेशा याद रखना कि जनरली पॉजिटिव पूछा जाता है. तो ये चौथी चीज नोट कर लो. पहली चीज हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखी, दूसरी चीज हमने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता है, रिपीट होते हैं. फिर तीसरी चीज हमने देखी कि भाई सुपरलेटिव स्टेटमेंट से असर्टिव स्टेटमेंट्स गलत होते हैं. चौथी चीज ये है कि गवर्नमेंट का अगर कोई भी लॉ है कुछ पूछेगा तो हमेशा याद रखना कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही हाईलाइट होता है. तो ये बाकी के अगर आप देखोगे तो ये लगभग एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि यू आर एम्पावरिंग ब्यूरोक्रेसी, यू आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू ब्यूरोक्रेसी रेदर देन एम्पावरिंग द पीपल. ठीक है, सो दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव थिंग्स टू पॉजिटिव अप्रोच. दैट्स वाई हियर राइट आंसर, राइट ऑप्शन विल बी द ग्राम सभा.
ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। बहुत लोग तो ये क्वेश्चन देखते ही हथियार डाल देते हैं, कह रहे बाप रे इतना सारा, ये तो पूरा इतना तो पीरियोडिक टेबल में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा याद रखना कि हमेशा जितना बड़ा क्वेश्चन है उसमें एक गुत्थी ऐसी होती है, एक गांठ ऐसी होती है जिसको खोलोगे पूरी गुत्थी सुलझ जाती है। ठीक है, तो इस पूरे ऑप्शन को पढ़ोगे उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कॉमन सेंस होगा। देखो यूपीएससी यहां पे ना आपसे नॉलेज नहीं पूछ रही कि ई वेस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं। यूपीएससी हमेशा आपसे कोशिश करती है कि एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू अप्लाई योर कॉमन सेंस। यूपीएससी हियर इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू शुड मग अप ऑल द एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट ई वेस्ट। ये यूपीएससी का, इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का जो मोटिव है यूपीएससी का, ये कहीं भी नहीं है। हालांकि बहुत से लोग हैं जो शुरू कर देते हैं, जैसे ही एक 2018 में शायद एमएसपी का कुछ पूछा था कि कौन सी क्रॉप इसमें एमएसपी में नहीं है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने फिर अपना अपना चैनल शुरू कर दिया, बहुत सारे पूरा एकदम बच्चों को रटाए पड़े हैं एमएसपी में कौन कौन सी क्रॉप होती है, ये सारी चीजें होती है। भाई वो जरूरत ही नहीं है, आप कॉमन सेंस यूज करो, दैट इज योर मोस्ट लीथल वेपन इन दिस वॉर। ठीक है, कॉमन सेंस यूज करोगे तो यहां पर लगेगा कि देखो प्लूटोनियम तो नहीं होगा, दैट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो ये आ जाएगा, और आप देखोगे कि इस ऑप्शन को इस हिसाब से सेट किया है। ठीक है, ये ऑप्शन इस हिसाब से सेट किया हुआ है कि अगर आपने बस इतना समझ लिया कि भाई प्लूटोनियम, थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज किया कि प्लूटोनियम तो रेडियो एक्टिव है, ये ई वेस्ट में तो नहीं होगा, भाई आपके आपके लैपटॉप में प्लूटोनियम तो हो नहीं सकता। ठीक है, पता चला कि लैपटॉप यूज करते हुए मर गए, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से। आपने जैसे ही कॉमन सेंस यूज किया कि भाई 7 वाला तो नहीं होगा, आप देखोगे कि सारे ऑप्शन हट जाएंगे, एक ऑप्शन बचेगा बी। ठीक है, अब मैं वो वाला क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, 2018 में पूछा था। कंसीडर द फॉलोइंग, एरिका नट, बार्ले, कॉफी, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सीसम, टर्मरिक। ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द एमएसपी फॉर विच ऑफ द अबव। तो भैया यूपीएससी ये नहीं चाहती कि आप एमएसपी रट्टे। ठीक है, ये कोई लोअर पीसीएस या पीसीएस का पेपर नहीं है, यूपीएससी का पेपर है। ठीक है, कुछ दिमाग से क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो कि भाई देखो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का पर्पस क्या है भाई, कि फार्मर्स को एक रेगुलर अश्योर्ड इनकम जैसा होना चाहिए, यानी कि पुअर फार्मर या मतलब फार्मर वेलफेयर के लिए है, बेसिकली कह सकते हैं फार्मर वेलफेयर के लिए। ठीक है, एमएसपी लाया गया। अब बाकी सब तो छोड़ो, एक ये जो कॉफी दिख रही है, कॉफी तो कोई गरीब किसान तो उगाता नहीं है, कॉफी जनरली मार्केट में अमीर लोग पीते हैं, अच्छे अच्छे घरों में लोग कॉफी नहीं पी पाते क्योंकि महंगी है, पूरा दूध लगता है, चाय में तो है कि पानी मिला दिया, एक चम्मच चाय पत्ती डाल दी, चाय बन गई। तो कॉफी मतलब अमीर लोग यूज करते हैं। हिंदी पिक्चरों में भी देखोगे तो लड़की का जो बाप होता था कॉफी प्लांटेशन का मालिक होता था। ठीक है, तो जनरली अमीर जो किसान है, प्लांटेशन फार्मर्स और प्लांटेशन एग्रीकल्चरिस्ट, व्हाटएवर यू फील लाइक कॉलिंग देम, दे यू नो अंडरटेक द एफर्ट ऑफ ग्रोइंग कॉफी। तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज मोर ऑफ यू नो सप्लाई साइड और मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग मैकेनिज्म रिलेटेड कॉफी। तो आप देखो ये थर्ड वाला ऑप्शन जैसे ही एलिमिनेट करोगे, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन थोड़ा सा ये वो हो गया, एनीवेज थर्ड वाला ऑप्शन जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे, ठीक है, आपका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बी बी इज योर राइट आंसर ही है, बिकॉज बाकी सारे ऑप्शन में थर्ड दिया हुआ है, एक ऑप्शन में थर्ड नहीं है, आपका आंसर आ गया। इसके लिए जरूरत थी कहीं भी एमएसपी पढ़ने की, रटने की, जीवन बर्बाद करने की नहीं थी, कॉमन सेंस यूज किया, थोड़ा बहुत लॉजिक हो गया। हमेशा याद रखना यूपीएससी पे भरोसा करना, बहुत लोग कहते हैं यूपीएससी कंफ्यूज करती है, ठीक है, फंसाती है, ऐसा कुछ नहीं है, यूपीएससी बहुत न्याय करती है
और बस वो हमेशा ये जानना चाहती है कि आपके पास तो वो कॉमन सेंस है, डू यू हैव दैट एप्टीट्यूड, ठीक है, कैन यू अप्लाई योर कन्वेंशनल विजडम रेदर देन हैविंग अ रोट नॉलेज. मगअप नहीं करना है, मगिंग नहीं करना है, मगू लोगों को नहीं रखना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने वाले लोगों को रखना है. तो यहां पर आपने अगर थोड़ा भी अगर बेसिक नॉलेज यूज की, बेसिक कॉमन सेंस कह लीजिए, तो ये निकाल सकते हैं. ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35. इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉइन टेल मकाउ फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट. बाप रे, कितना कठिन सवाल है, मैं पूछ दिया ऐसा. लॉइन टेल मकाउ कौन कौन से स्टेट में? एक तो पहली बात की लॉइन टेल मकाउ क्या है ये पता नहीं, ठीक है. दूसरी चीज ये है कि भाई कैसे करें, कैसे करें, छोड़ देते हैं? नहीं, छोड़ना नहीं. अब देखो, इंडिया का मैप याद होगा, ठीक है, मैप की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. ये हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गया आपका, एग्जैक्ट मैप नहीं बनाऊंगा, केरल है, आंध्र प्रदेश इधर आता है, ठीक है, आपका इधर आता है कर्नाटक, ठीक है, इधर हो गया कर्नाटक, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश अलग है. अब ये जो तीन स्टेट हैं, दे आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट जो है इन तीनों स्टेट से होकर गुजरता है. तो एक बंदर है, तो भैया बंदर कभी आप रोक सकते हैं क्या? बंदर तो है कि उसको भाई कंटिन्यूअस जंगल चाहिए, तो जो कर्नाटक में होगा वो केरल में भी आ सकता है. बंदर जंगल तो कंटिन्यूअस है, वेस्टर्न घाट तो कंटिन्यूअस है. कर्नाटक वाला बंदर इधर भी कूद के आ सकता है, ये वाला बंदर इधर भी जा सकता है, तमिलनाडु भी जा सकता है इधर भी, ठीक है, बिकॉज ही इज अ कंटिन्यूअस जंगल. तो जनरली लायन टेल मकाउ इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट. आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है कि लायन टेल मकाउ इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट. अब वेस्टर्न घाट, और आपको ये अगर ज्योग्राफी पढ़ी है और आपको ये पता है कि वेस्टर्न घाट कहां से, गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहां पर वेस्टर्न घाट फैला हुआ है, तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे. थोड़ा सा घुमा के पूछा है, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? डेट वॉज डैम इजी, ठीक है, आसान था. तो ये है, ठीक है, हो गया तब अपना तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये हटा दो, तो 1, 2 and 3 ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है. तो बार बार यही कहता हूं कि थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो. कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे तो नहीं होगा. उस क्वेश्चन को देखते ही हथियार नहीं डालना है, सोचो सोचो सोचो, विजडम यूज करो, ठीक है, लेटरल नॉलेज यूज करो, आएगा जवाब. Which of the following, let me open here, which of the following characterize the people of Indus Valley civilization? अब देखो, Indus Valley civilization पूछा था, ठीक है, 2013 में, फिर आप देखोगे 2017 में फिर से पूछा है, सेम चीज है लगभग, ठीक है. 2013 में पहले अगर आपने सॉल्व किया होता आपको पता होता कि भाई Indus Valley civilization के जो लोग थे, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इसमें यूपीएससी ने आंसर की में ही बता दिया कि भाई हॉर्स और ये सब, हॉर्स चैरियट ये सब का वॉरफेयर में यूज नहीं करते थे. हॉर्स वाज जनरली अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन. और इसका अगर आंसर की आपने सही से देखा होता तो ये आपको पता होता कि हॉर्स ड्रॉन चैरियट जो बेसिकली आर्यंस, आर्यंस ने यूज किया था, और आर्यंस जब आए थे तब वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी लगभग 1500 बीसी से. आप देखोगे 1000 बीसी तक आपका अर्ली वैदिक पीरियड चला, अर्ली वैदिक पीरियड, फिर 1000 से 500 बीसी तक आपका लेटर वैदिक पीरियड चला. तो जब आर्यंस आए तो दे ब्रॉट द, दे बेसिकली यूज्ड हॉर्सेस for the warfare, for transportation, everything. Indus Valley civilization used bullock cart.
पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज बुलक कार्ट। आप सील्स जितने भी देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन में, आपको कहीं भी घोड़ा नहीं दिखेगा, आपको राइनोसोरस दिखेगा, टाइगर दिखेगा, बैल दिखेगा, ये सारा जानवर दिखेगा, लेकिन ये घोड़ा नहीं दिखेगा। तो वी कैन ड्रॉ दिस कॉन्क्लूजन दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन दे वेर नॉट अवेयर विथ दिस एनिमल कॉल्ड हॉर्स। ठीक है, अब अगर वो पता होता तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे 2017 में, कर सकते थे, बहुत आसान है। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन कल्चरल ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऋग्वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेयर एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर इट वाज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो थर्ड ऑप्शन जैसे ही हटाओगे, ठीक है, थर्ड ऑप्शन जैसे ही हटाओगे आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसमें भी आपको बाकी के ये दोनों जानने की जरूरत नहीं थी, वन और टू जानने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन अगर जैसे ही आप हटाओगे, इधर थोड़ा सा कट रहा है ऑप्शन नीचे से थर्ड वाला, लेकिन याद रखना कि ए को छोड़ के बाकी सब में थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, तो बाकी बी सी और डी हट जाएंगे, ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया यहां पे। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है, यानी कि वन ऑप्शन निकल जाएगा, मैंने उल्टा थोड़ा सा बोल दिया। ठीक है, अब इस पर भी बहुत सारे लोगों ने कंटेस्ट किया था कि देर इज अ प्लेस कॉल्ड सुकटाडोर एंड देर बोन्स ऑफ हॉर्स हॉर्स हैज बीन फाउंड एंड एवरीथिंग, दे कॉन्टेस्टेड दिस, बट अल्टीमेटली यूपीएससी सेड कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल दे वेर नॉट अवेयर ऑफ द हॉर्स। ठीक है, तो ये यूपीएससी ने बाद में अपना क्लैरिफिकेशन दिया था। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, पार्लियामेंट्री अकाउंट, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, यानी कि पीएसी के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, पीएसी के बारे में क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अभी इस क्वेश्चन को से दो चीजें निकलती हैं। पहली चीज तो ये है कि पीएसी पूछा है, चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, चलो ठीक है अभी ये आइडिया नहीं है। स्क्रूटनाइजेशन स्क्रूटनाइजेज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ठीक है भाई पब्लिक अकाउंट है तो फाइनेंस अकाउंट है तो चलो ठीक है ये लगभग सही है। एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ सी ए जी, ये भी सही है, अगर बेसिक भी पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो टू एंड थ्री इज द राइट आंसर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आप देखोगे कि 2013 में क्वेश्चन पूछा है, 2014 में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ए कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, बी द कमिटी ऑन एस्टिमेट, सी द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड डी The Committee on Petitions। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन किया होता, पेपर पीवाईक्यू सॉल्व किया होता तो ये कर लेते आराम से, क्योंकि पढ़ते तो इतना तो आइडिया लग ही जाता कि भाई किसमें कितने मेंबर्स हैं। हालांकि मैंने गलत कर दिया था, when I was giving this attempt, वो भी मैंने किसी से पहले तो एस्टिमेट कमिटी मार्क किया था, फिर किसी से पूछा मैंने, उसने बताया कि पैक 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 होगा और मैंने गलत कर दिया। And that guy who told me in examination hall, he happens to be my flatmate as well. Attempt निकल गया, निकल पास हो गया, नहीं होता तो घर से भगा देता उसको। खैर, consider the following again, घड़ियाल, leatherback turtle और swamp deer, ये तीन option दिए हैं, इसमें पूछा है कि which of the following is endangered। तो अब इस question में क्या करना है, पहले तो ये है कि तीनों के बारे में research कर लेना, which I have already told you। One more thing, I was willing to tell you through this question. हमेशा याद रखना कि critically endangered है अगर कोई जानवर, तो वो endangered तो है ही, तो ऐसा मत सोचना कि question में कभी आ जाए आपको पता है कि भैया घड़ियाल तो critically endangered है, लेकिन question में तो endangered पूछा है। मैंने भी कुछ ज्यादा ज्ञान आ गया था 2013 में, मैंने भी तैयारी करी थी बहुत लग के, मुझे पता था घड़ियाल तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन इसमें तो इंडेंजर्ड दिया है,
तो इसका मतलब ये गलत होगा, वन नहीं होगा, मैंने गलत कर दिया था, ओवर नॉलेज, ठीक है, ज्यादा ज्ञान, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर कोई जानवर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो डेट इज इंडेंजर्ड इटसेल्फ, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन, यूपीएससी ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करती है, ठीक है, ये याद रखना। हाँ, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि इनमें से कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो वो इंडेंजर्ड वाला इसमें नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, इंडेंजर्ड ये है तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाला इसी में आएगा, इट इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड इज अ सबसेट ऑफ इंडेंजर्ड, ठीक है, ये याद रखना, सॉरी मैंने उल्टा बना लिया, ऐसा कर सकते हैं। ऑल इंडेंजर्ड, ऑल क्रिटिकली इंडेंजर्ड आर, सॉरी मैंने फिर से गलत बना दिया, सी सेट छूट गया, ऑल क्रिटिकली इंडेंजर्ड आर इंडेंजर्ड एज वेल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ऑल इंडेंजर्ड आर नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, ये याद रखेंगे तो इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन से दो की टेक अवेज है, पहली चीज तो यह है कि ये तीनों के ऊपर रिसर्च करना है, यू शुड हैव थरो नॉलेज ऑफ घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल, स्वैम डियर, एनसीईआरटी में देखोगे, देखो एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्हेन आई एम सेइंग एनसीईआरटी स्पेशली ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, इफ यू रीड इट बाय हार्ट एंड यू अप्लाई द क्रिप्टिक नॉलेज एंड वर्ड्स गिवन इन एनसीईआरटी अलॉन्ग एंड सप्लीमेंट विथ इंटरनेट रिसर्च स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में क्या होता है कि एक जो है क्या करेगा, एनसीईआरटी क्या करती है कि एक पेड़ बना दिया, उस पर एक जानवर को लटका दिया और नीचे नाम दे दिया रेड पांडा। अब उस पूरी एनसीईआरटी में रेड पांडा के बारे में कुछ भी नहीं दिया होगा, ठीक है, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू हैपन टू सी एनी एनिमल जिसका सिर्फ फोटो बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो यू शुड रिसर्च इट, रिसर्च कर लो भैया उस जानवर के बारे में, यूपीएससी में पूछेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्रिप्टिक नॉलेज को थोड़ा इंटरनेट से एक्सपैंड करना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज, आई ऑलवेज सजेस्ट टू हैव एनसीईआरटी प्लस वे ऑफ स्टडिंग, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी प्लस पढ़ना है, यानी कि एनसीईआरटी प्लस सम बेसिक इंटरनेट रिसर्च, बेसिक इंटरनेट, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना, उधर पीएचडी नहीं करना, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। तो घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल, स्वैम डियर, आप देखोगे एनसीईआरटी देखोगे तो घड़ियाल का भी एक छोटा सा फोटो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, स्वैम डियर का भी बना हुआ है, ठीक है, तो वो कर लेना। चलो नेक्स्ट इज अगेन, माइक्रोराइजियल बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन रिहैबिलिटेशन डिग्रेडेड साइट बिकॉज माइक्रोराइजिया, ठीक है, enables the plant to resist drought and increase absorptive areas, tolerate extreme of pH, resist disease infestation, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में दो लॉजिक लगेंगे, पहला तो ये है जो मैंने बताया था कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी कि अनलिमिटेड पोटेंशियल यानी कि ऑल आर राइट, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जनरली इसके ना पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे, देखो माइक्रो, ये बायोटेक्नोलॉजी एक साइंटिफिक इनोवेशन है तो पॉजिटिव इसका इंपैक्ट होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट इसका सारा, जितने भी पॉजिटिव ऑप्शन में जितने भी पॉजिटिव इंप्लीकेशन वाले ऑप्शन है सारे सही होंगे। रेसिस्ट ड्रॉट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है इस टेक्नोलॉजी का, सही है। टॉलरेट एक्सट्रीम ऑफ पीएच, ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट है, ये भी सही है। रेसिस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन, ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, ठीक है। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल है, प्लस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का जनरली पॉजिटिव आउटकम होता है, पॉजिटिव आउटकम ही जनरली होता है, अंटे अनलेस के क्वेश्चन में ना पूछा हो कि इस कि नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे एक क्वेश्चन में आप देखो बताऊंगा आने वाले अगले साल का जब हम डिस्कस करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी के क्या इश्यूज हैं, नैनो पोल्यूशन ये सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा था आई थिंक इन 2000
15 और 16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसका अनलिमिटेड पोटेंशियल होगा, सारी चीजें सही होंगी, ठीक है। तो देख सकते 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत आसानी से किया हमने, 11 क्वेश्चन, दैट इज अ ह्यूज 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 डिफरेंस, ठीक है। आप देखोगे अगर जादू, तो आप देखोगे अगर सॉरी आप बनाओगे अगर देखोगे कट ऑफ अगर ये जा रही है ना, तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इसी मेडियन के आसपास ही होते हैं, और जो बच्चे जो मैक्सिमम बच्चे जिनका नहीं प्रीलिम्स होता है वो थोड़े भी अगर सीरियस हैं तो वो बस उनके साथ एक हार्ड लक ये होता है भाई 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर से पेपर छूटता है, कट ऑफ नहीं क्लियर होती है। तो यहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो हमेशा याद रखना, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, कितना भी पढ़ लो, 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन से ज्यादा आपको 100% आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, बाकी के 60 क्वेश्चन में, ठीक है, 10-15 तो मान लो एकदम ही वो होंगे, बम होंगे जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं, बाउंसर जैसे, लेकिन फॉर रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस, ठीक है, 40 क्वेश्चन का तो मान लो 100%, थोड़ी भी अगर सीरियस पढ़ाई करी है तो यूपीएससी ऐसा पेपर सेट करती है कि 40 क्वेश्चन तो आप थोड़ा भी सीरियस कैंडिडेट है वो कर ले जाएगा, 20 क्वेश्चन जो है आप चाहो तो 15 से 10 या 15 क्वेश्चन जिसमें आप छोड़ सकते हो, ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट 80+ क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट 85+ क्वेश्चन, ठीक है। बहुत लोग हैं कि 70-60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके हैं, 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 120 नंबर का ही अटेम्प्ट किया है, थोड़ा भी दाएं बाएं होगा कट ऑफ से नीचे आ जाएगा, तो हमेशा फुल टॉस खेलने का, पूरा खेलने का जनरली सही रहता है, मेरा एक्सपीरियंस तो सही रहा है, नेगेटिव से बहुत नहीं डरने का, हाँ एकदम ही भगवान का नाम लेके जय माँ दुर्गा ये सब करके नहीं ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है। 25% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट कैसे करते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन, इसके लिए मैं एक सेपरेट बताऊंगा, एक सेपरेट लेक्चर लूंगा छोटा सा, कि कैसे अप्रोच कैसे करना चाहिए, कैसे पेपर को स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, दैट विल डिस्कस लेटर इन सम डिफरेंट लेक्चर, ठीक है, अभी उस पर नहीं जाते। तो ये मैं कह रहा था कि 40 क्वेश्चन में तो 100% यू विल बी श्योर, बट फॉर द रिमेनिंग 40 क्वेश्चन, इफ यू लाइक 20 क्वेश्चन यू आर नॉट अटेम्प्टिंग, फॉर रिमेनिंग 40 क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई सम काइंड ऑफ यू नो you will solve these questions on the basis of the wide study which you have done on your gut feeling, on your common sense or something like that. So this overall endeavor of me making these lectures ki bhai ye jo 40 question mein jo aap common sense aur sari cheeze juggling karenge uske precision ko aur painapan usko dena, us precision ko, us hathiyar ko aur painapan dena, theek hai। So this was about 2013. We'll be having a discussion on 2014, 15, 16, 17 in the span of 3-4 days. So just stay tuned. Thank you.